पहले तो ये है कि कुकरनाग एनकाउंटर के पहले भी हालात बड़े अच्छे थे और उसके बाद भी हालात बड़े अच्छे हैं। लोगों को गलत फहमियाँ हो जाती हैं कि एक वाका कहीं हो गया तो पता नहीं क्या तूफान हो गया। हम जानते हैं जो ढाई टोटरू इनके आगे पीछे कहाँ घूमते हैं, उनका पीछा करके जंगल पहाड़ जहाँ तक ये बैठते हैं वहाँ तक पहुँचने का प्रयास है, कोशिश है। कुकरनाग भी एक ऐसा ऑपरेशन था जिसमें किसी खास दहशतगर्द के छुपे होने की उसकी हाइड आउट की तलाश थी, जिसके मुताबिक वहां पर गए थे। और ये अनफॉर्चुनेट था कि कभी जब आप पहुंचते हैं तो दुश्मन पहले ही ताक में होता है और आप लोग पूरी तरह से उस जगह से वाकिफ नहीं होते हैं। और इत्तफाक ये है कि पहले फायर कौन करता है? अगर पहले फायर आतंकी ने किया तो आपका नुकसान है, और अगर पहले फायर आपने किया तो आप आतंकी को ढेर करेंगे। इस केस में हम अनफॉर्चुनेट थे कि पहला फेयर हम लोगों को अपने बहादुर जवानों को, बहादुर अफसरों को अपने ऊपर लेना पड़ा, जिसकी वजह से हमारे बहादुर कर्नल साहब, मेजर साहब, डिप्टी एसपी साहब और एक बहादुर जवान प्रदीप, उनकी शहादत हुई। ये कोई छोटी बात नहीं है कि आप दुश्मन का पीछा करने के लिए खतरे को जानते हुए फिर भी खतरे की परवाह न करते हुए ऐसी जगह पे पहुंचे और दहशतगर्द को मारने का या दहशतगर्दी का सफाया करने की कोशिश में अपनी कंट्रीब्यूशन दें। मैं सल्यूट करता हूं उन ऑफिसर्स को, जवानों को, जहां जिन्होंने इस ऑपरेशन में हिस्सा लिया और जिन्होंने अपनी शहादत दी, और बाकी लोगों को भी जिन्होंने इस ऑपरेशन में हिस्सा लेकर के आतंकी उजेर को ढेर किया, जो काफ़ी अरसे से खूंखार तरीके से उस एरिया में दहशतगर्दी का काम कर रहा था। मुझे लगता है कि ये एक कामयाब ऑपरेशन था। अब जो नुकसान इसमें हुआ, वो नुकसान होने के कभी कभार चांसेस रहते हैं, जिसके लिए हमें खेद है और साथ ही साथ गर्व भी है उन लोगों के ऊपर। प्रयास का जहाँ तक लेवल है, उसको एक गुना नहीं, दो गुना नहीं, तीन गुना तेज कर दिया गया है। आज पर्चों की तादाद देखें, पकड़े जाने वाले लोगों की तादाद देखें, नार्को टेरर के मॉड्यूल्स की बस करने की तादाद देखें, तो सभी में बढ़ोतरी हुई है। इसका मतलब पुलिस ज़्यादा कामयाबी से इस खत्ते में काम कर रही है। अब ये एक वबा ऐसी है जिसको कुछ अरसा हुआ चलते चलते, और ये एक वबा ऐसी है जो सरहद पार से शुरू हुई। ये एक ऐसी चीज है जिसमें दहशतगर्दी को फरोख देने के लिए भी पाकिस्तान में बैठी जो एजेंसीज हैं वो इसको एक जरिए के माफक इस्तेमाल करती हैं। हमने उन सारे नेक्सस को भी ब्रेक करना है जो लोग इसमें शामिल हैं, चाहे वो जहाँ के हों या स्टेट के बाहर के हों, उनको भी इसके दायरे में लाना है। हर खित्ते में इसमें बड़ी कामयाबी से काम हुआ है, बहुत अच्छे मॉड्यूल्स बस्ट किए गए नार्को टेरर के, और मुझे उम्मीद है कि इस एरिया में और जो काम हम लोग कर रहे हैं इसमें जल्दी अच्छे से हम लोग नकेल कस पाएंगे। पुंछ रजौरी में लगातार आतंकवाद दस्तक दे रहा है, कितने आतंकवादी और छिपे होने की? पुंछ रजौरी में जितना भी टेररिज्म को फरोख देने की कोशिश थी उसको बहुत हद तक नाकाम किया गया है। अभी तक तीन कामयाब एनकाउंटर जगह जगह पे हो चुके हैं। रियासी में इनकाउंटर हुआ जिसमें दहशतगर्द मारा गया, दूसरा भाग निकला अनफॉर्चुनेटली, जिसकी तलाश जारी है। रजौरी में दो जगह पे, पहले पुलिस चौकी खवास ने जो ऑपरेशन किया बड़ा कामयाब ऑपरेशन था, दूसरी जगह पे भागता हुआ दहशतगर्द जो जख्मी था वो मारा गया। मुझे लगता है कि वहाँ पर फोर्सेस को, पुलिस को अच्छी कामयाबी मिल रही है। जितने लोग वहां से इन्फिल्ट्रेट करके आए हैं उनका सफाया किया जाएगा। आज की फिगर जो है वो बिल्कुल लोएस्ट लेवल पे आ चुकी है और इसमें लोगों का बहुत बड़ा सहयोग है। पुलिस और फोर्सेस मिलकर के अच्छे तरीके से जो है इस दिशा में काम कर रही हैं, उसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। और अभी जो बचा खुचा टेररिज्म है इसका सफाया करने के लिए सब लोग वचनबद्ध भी हैं और उसके लिए प्रयास भी बिल्कुल जारी है। वन अब आपके व्हाट्सएप पर, व्हाट्सएप करिए हाय 9728253663 पर।